दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है, सेफ है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रज्वल पराजुलाई की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी दी क्लेफ्ट को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट स्टोरी दोस्तों बेस करता है एक लड़की के ऊपर जिसका एज सिर्फ 13 साल का है और उसकी लाइफ के ऊपर बेस करता है। बेसिकली ये लड़की की क्या डिज़ायर है लाइफ में, क्या एम है जो यूथ टाइम में होता है, इसको लेकर ये शॉर्ट स्टोरी डील करती है। इस शॉर्ट स्टोरी को समझ आज हम देखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस चैप्टर के ऊपर वीडियो दूंगा। दूसरे आज के हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इस शॉर्ट स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर, दो ही कैरेक्टर मेन है, बाकी कैरेक्टर है माइनर। हम दो कैरेक्टर को लेकर बात करेंगे। सबसे कैरेक्टर मेन कैरेक्टर आता है उनका, उसका नाम है काली, जो 13 साल की लड़की है, उसको लेकर ये पूरा शॉर्ट स्टोरी डील करती है। और दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम है पार्वती, जिसके घर पे काली काम करती है। ठीक है, होता क्या दोस्तों कि काली बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, और जब उसकी माँ ने उसको घर से निकाल दिया था, मतलब ऐसा कहा गया है शॉर्ट स्टोरी में, कहा नहीं गया लेकिन हमें समझ में आता है कि उसकी फैमिली में प्रॉब्लम थी जिसके द्वारा काली को अपना घर को छोड़ना पड़ा। तो पार्वती जब एक दिन नेपाल भूटान भारत भूटान के जो बॉर्डर से गुजर रही थी, तब उसको उसने काली को देखा था और वो काली को लेकर अपने घर में आ गई थी दोस्तों। ठीक है, तब से क्या है कि काली पार्वती के घर में काम करती है, और पार्वती हमेशा काली को ये समझाती है कि उसकी माँ ने उसको घर से निकाल दिया। ठीक है, होता क्या दोस्तों काली बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, उसकी उसकी फेस भी उतना कुछ अट्रैक्टिव था नहीं, अगली फेस थी उसका, लेकिन फिर भी उसका दोस्तों एम था कि उसको बॉलीवुड में काम करना है। उसको मनीषा कोरेला की याद आती है कि मनीषा कोरेला जी को किस तरह से बॉलीवुड में एंट्री दिया गया था, तो मतलब इस तरह से उसको याद आती है कि उसको फ्यूचर में जाकर मनीषा कोरेला के जैसा काम करना है बॉलीवुड में। तब दोस्तों होता क्या है कि जो पार्वती है, पार्वती काली को ये समझाती है कि अगर वो उसके घर में काम करती रहेगी तो एक दिन उसका जो अगली फेस है वो पार्वती ठीक करवाएगी ऑपरेशन के द्वारा, और उसको बॉलीवुड में एंट्री देगी। आप समझ सकते हैं कि ये जो डिज़ायर है, ये जो प्रॉमिस पार्वती ने किया, ये बहुत ही मतलब उसका कोई मीनिंग है, मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस एक प्रॉमिस पार्वती ने किया था ये गर्ल को जो काली है उसको, लेकिन उसके पीछे उसका एक स्वार्थ है कि उसके बदले काली उसके घर में काम करेंगी। ठीक है, तब दोस्तों होता क्या है कि काली के साथ एक लड़का का बात होता है लेटर के द्वारा, जिसमें ये लड़का काली की बहुत ही तारीफ करता है और समझता है कि नेक्स्ट में जाकर वही काली को बॉलीवुड में एंट्री देगा, लेकिन ये लड़का ही दोस्तों ठीक नहीं था। बाद में जाकर हमें पता चला, मालूम होगा कौन था ये लड़का, दोस्तों काली को किडनैप करना चाहता था। ठीक है, तो काली की इच्छा जो रहती है बॉलीवुड में एंट्री लेना, इसको लेकर वो जो जीवन को स्पेंड करती है पार्वती के घर में काम करती है। और लेकिन दोस्तों जो काली होती है उसको हर कोई क्रिटिसाइज़ करता था, उसको लुक को लेकर, उसके बात करने के तरीके को लेकर, उसका जो क्लेफ्ट था दोस्तों, मतलब क्लेफ्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा, वो भी बहुत ही ठीक नहीं था उसका, मतलब उसका फेस बहुत ही अगली था, इसको लेकर काली को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि तू कैसे बॉलीवुड में एंट्री ले पाएगी, तेरा वो टैलेंट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पार्वती है वो काली को एक मतलब एक होप दिखाती है, वो लड़का भी उनको एक होप दे, लेकिन दोनों का होप ही मीनिंगलेस था, अपने अपने स्वार्थ के लिए दोनों ही उसको होप दिखा रहे थे, और ये काली को समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों ये बाकी जीवन ये होप में बिताती है कि वो आगे जाकर बॉलीवुड में एंट्री लेगी, अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ी होगी। दोस्तों बाद में जाकर ये जो शॉर्ट स्टोरी एंड होती है, तब हमें मालूम नहीं चलता कि काली क्या सच में बॉलीवुड में एंट्री ले पाई है, वे उसका स्कूलिंग ख़त्म हो पाया है, तो यहाँ तक ये स्टोरी ख़त्म होती है। दोस्तों बेसिकली ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले हर वो लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है जिनके बैकग्राउंड बहुत ही पुअर है, लेकिन उनके मन में बहुत ही बड़ा बड़ा इच्छा रहता है। जैसे कि काली हम देख सकते हैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, वो पार्वती के घर में काम करती है, लेकिन फिर भी उसका एक ड्रीम है कि वो आगे जाकर बॉलीवुड में काम करेगी, अच्छे स्कूलिंग करके बहुत नाम कमाएगी। तो बेसिकली एक मिडिल क्लास और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़कियाँ की जो वो हर जो लड़कियाँ हैं जिनको आगे जाकर कुछ बड़ा करना है, जो उनके कंट्रोल में नहीं होता, इसको इस शॉर्ट स्टोरी ने डिस्क्राइब किया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही समझ आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा,
और आपको शॉर्ट स्टोरी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसमें मैंने समरी कहा है आपको, आप पूरा देखना। और नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन कैरेक्टर है, और हम कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, थीम को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अच्छे स्वस्थ रहिए।